आज वाराणसी में मशहूर रेसलर खली एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रातः 11 बजे हथुआ मार्केट लोहराबीर वाराणसी में एक उद्घाटन समारोह के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के सुविख्यात भारतीय रेसलर द ग्रेट खली पहुंचे। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। और यहाँ कोई स्पोर्ट्स करनी है, ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है जिन्होंने फिट रहना है। क्यों, चाहे पतला हो वो अपना मतलब तगड़ा हो सकता है, मोटा हो तो वो पतला हो सकता है। तो जिम होना बहुत जरूरी है। और जो बॉब जिम खुला है ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जो बाबा मदोग ने जो एक जिम बनाया है बनारस वासियों के लिए, मतलब एक बहुत ही एक तोहफा है जिससे आप लोग बनारस के लोग फिट रह सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भी यही नारा है, मेक इंडिया फिट। तो ऐसे ऐसे जिम अगर हर शहर में खुलेंगे तभी हमारा देश, हमारा नौजवान फिट रह सकता है और हमारा देश वर्ल्ड में सुपर पावर बन सकता है। बनारस कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। मैं 96 में पहले आया था और उससे और अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। रोड की लगाई है चाहे कैसे भी, मतलब तो यहाँ पर 96 से लेकर अभी तक 2019 तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हुई है। हिंदुस्तान के नौजवान हैं, हिंदुस्तान के जो वीर है, बहुत शक्तिशाली, बहुत एक डेडिकेटेड, बहुत ऑनेस्टली, बहुत मेहनती लोग हैं। और पूरा हिंदुस्तान अपनी वीरों पे नाज करता है और पड़ोसी उनका काम है उछलना कूदना, नेसेसरी का ये स्टेटमेंट देनी वो कोई भी मायने नहीं रखते। अगर इस बार पाकिस्तान वाले ने हरकत करी तो ना पाकिस्तान की आर्मी रहेगी ना पाकिस्तान रहेगा। अच्छा, आज ये फिट इंडिया को लेकर जो बात हो रही है इसके लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बिल्कुल देखो हाइट तो मोस्टली गॉड गिफ्ट होती है लेकिन उसको जो मेंटेन करना वो आपके अपने हाथ पे है। देखो अगर कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो एक्सरसाइज कर सकता है, आपके हाथ पे है। अगर कोई बहुत पतला है उसके अपने हाथ पे है कि उसको तगड़ा कैसे होना है। अगर बहुत लंबा है तो उसको अपने हाथ पे है कैसे उसको फिट रखना है अपने आप को। सो जिम सबसे अच्छा एक हथियार है। अगर आपने फिट रहना है तो आप जिम जाइए और जिम में अपनी एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए।